हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है मंडे, तो चल रही हूँ मैं पीटीएम में। बच्चों की स्कूल का पीटीएम है। और यहाँ पर बच्चे भी हो चुके हैं रेडी। आऊँगी तब कपड़े वपड़े धोएंगे। इतने सारे सब कपड़े रखे हुए हैं। और दूध का गमला नहीं रखे तुम लोग? जब दूध का गमला रख दो, दूध वाला आएगा तो देगा दूध। और बच्चे भी हो चुके हैं रेडी, तो चलिए ताला वाला बंद कर देते हैं फिर चलते हैं। पीटीएम हो चुका हम लोग। यहाँ पे एक पार्क है, वहीं पे बैठे हैं। थोड़ी देर धूप ले लें तब चलें। क्लासरूम में मैं वीडियो नहीं बनाई, वहाँ पर ढेर सारी मैम लोग की, तो अच्छा नहीं लग रहा था। और बच्चों का रिजल्ट आपको घर चल के बताऊँगी। बड़े बेटे का तो अच्छा आया है, लेकिन छोटा बेटा का, क्योंकि एक क्लास उसको क्रॉस करवा दी थी, इस साल वो 3 में जाता लेकिन 4 में चला गया है, तो उसको पढ़ाई थोड़ा ज़्यादा करना पड़ रहा है। और यहीं पास में मंदिर भी है, तो घंटी बज रहा है। शांति शांति है। तो चलिए अब घर चल के आप लोगों से मिलते हैं। और यहाँ पर रास्ते में आते वक्त सरसों का खेत था, तो वहीं पर मैं थोड़ा सा रील्स बनाने लगी। बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ा बाहर आओ तो हरियाली देखकर मन खुश हो जाता है। और ठंडी का मौसम है तो धूप भी बहुत अच्छी हुई थी। कभी कभी बाहर जाना भी अच्छा रहता है। और आज बच्चों का पीटीएम था, तो इसी बहाने मैं भी आई नहीं, वही घर में डेली का काम। और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। बच्चों का रिजल्ट भी अच्छा आया था। और अभी तो छमाही परीक्षा ही हुआ है, तो उसी का रिजल्ट था। और मेरे बड़े बेटे का तो क्लासरूम में फर्स्ट रैंक आया था। अब देखिए एनुअल एग्ज़ाम में क्या होता है। स्कूल से अभी आई हूँ और चल रही हूँ दूध गर्म करने। दूध वाले भैया आ गए थे और बच्चे खा रहे हैं इधर चूड़ा। तो चलिए कुछ खाना वाना बनाते हैं। और वहाँ से आने के बाद मैं बना रही हूँ खाना, और बच्चे भी आ गए हैं मेरे पास। मैं कुछ बना करके नहीं गई थी, केवल नाश्ता बनाई थी, वही खा के हम लोग गए थे। तो फिर से एक बार और चाय बना रही हूँ। ठंडी के मौसम में जितना भी चाय पियो फायदा ही करेगा, नुकसान नहीं। तो चलिए मैं एक बार और चाय बना के पी लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने बच्चों को भी दे दिया है और खुद भी पी रही हूँ। ठंडी के दिन में अपना ख्याल रखो और अपने बच्चों का भी ख्याल रखो, जिससे कोई बीमार ना पड़े। और आजकल तो न्यूज में आ रहा है फिर से कोरोना आ रहा है, तो इसलिए हम लोगों को पहले से ही सजग रहना चाहिए। और मौसम भी अब तो और थोड़ी ज़्यादा ठंडी बढ़ रही है। भले ही धूप हो रही है लेकिन गलन बहुत ज़्यादा है। बच्चों को भी मैं हमेशा स्वेटर मोजा ये सब पहना के रखती हूँ, और खुद भी, लेकिन कितना भी चिल्लाओ वो लोग सुनते नहीं हैं। वो लोग बोलेंगे नहीं गर्मी नहीं लग रही। तो यहाँ पर मैं नाश्ता कर रही थी, बच्चे भी यहीं थे, लेकिन वीडियो में नहीं दिखना चाह रहे थे, इसलिए वो थोड़े उधर बैठे थे मेरे सामने।
बच्चों की छुट्टी है तो ये लोग सारा दिन टीवी देख रहे हैं यहाँ पर अपने नैरेटिव में बोल रहा है कि अपने नहीं खाना वाना बना ली हूँ तो मैं भी चल रही हूँ खाना लेकर और थोड़ा अभी लेटी थी तो बाल वैसे हो गए हैं। फोन आ गया तो इनका मैं बात कर रही थी और यहाँ पर मैंने बच्चों को भी खाना दे दिया है और खुद भी खाना लेकर आ गई हूँ और टीवी देखते देखते हम लोग खाएंगे, थोड़ा सा एंजॉय करेंगे और टाइम हो रहा है 2:15 बज रहे हैं। तो चलिए खाना खा करके शाम हो चुकी है, चलिए दिया हुआ चलाते हैं लाइट। मंदिर का लाइट जला दिया, चल रही हूँ बाहर। बच्चे बाहर खेल रहे हैं, चलिए बाहर चलते हैं। और यहाँ पर बच्चे उड़ा रहे हैं पतंग, शाम का टाइम है और मैं इन लोगों को आई हूँ बुलाने क्योंकि जब तक बुलाओ ना ये लोग आते नहीं हैं, खेलते ही रहते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।